हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप लोग को पता है कि हम लोग गेनिंग सीरीज में है, और गेनिंग सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज आपको बोलने वाला हूँ, अगर इतना चीज़ आप किसी ट्रेनर को या कोच को पूछ लो ना, वो आपको फीस मांगेगा, पता है। लेकिन मैं आपको फ्री में टिप दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मिस गाइड ना हो, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को मन है तो लो, अगर मन नहीं है तो मत लो। अगर आपका बॉडी बिल्डिंग में हो गया है 1 साल 1.5 साल तो आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से चलने से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं बिगनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत मिस गाइड होते हैं। तो इतना तो बोल दिया, पर बात क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझ गए होंगे, साइकिल के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग ये फील्ड में आते हैं ना, वो लोग पहले तो घबरा जाते कि स्टेरॉयड का नाम सुन के, और ज़्यादा घबरा जाते कि जब सुनते कि इंजेक्ट करना पड़ेगा बोल के। देखो भाई, इंजेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम लोग भी मर्द है, मर्द को दर्द होता है भाई, ये 1-2 दिन का बात नहीं है, 1 हफ्ते का बात नहीं है। जब हफ्ता बढ़ते जाएगा ना, दिन बढ़ते जाएगा, महीना बढ़ता जाएगा ना, आपका भाई जो बम में प्रॉब्लम निकलेगी ना, आप बैठ नहीं पाओगे, इतना दर्द होगा। इसलिए फोबिया रहता है लोगों का, इसलिए वो डर के मारे स्टेरॉयड बंद ही कर देते हैं। स्टेरॉयड का मतलब ये सोचते कि भाई इंजेक्शन से गांठ फटती है, इसलिए हम नहीं लेंगे। ये भी सही बात है, मैं लिया था, मेरा साइकिल में 2 बार किया हूँ, लेकिन मेरा भी फटी है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग के लिए ईजी कर दूँ। मतलब कि मैं अभी ओरल स्टेरॉयड के ऊपर गया हूँ, मैं इंजेक्ट नहीं ले रहा हूँ। तो जो मैं ओरल स्टेरॉयड में आपको जो चीज़ दिखाऊंगा, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, और डोजेस भी बताऊंगा कि आपको कब और कैसे लेना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लोज शॉट में। ये रहा ये जो गेनिंग सीरीज का स्टेरॉयड साइकिल, वो भी ओरल में। अच्छा, ये क्यों दिख रहा है, मत डरो, बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है, टेंशन मत लो। पहले हम जो यूज करने वाले हैं वो है डायनाबोल, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मसल मास गेन करेगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्टिव स्टेरॉयड है। मतलब कि इसको अगर आप लेंगे तो ये 3 से 4 घंटा आपके बॉडी में रहेगा, बहुत ही फास्ट एक्टिव है, लेकिन बहुत जल्दी आपके बॉडी से भी ये चला जाता है। और इससे जो गेनिंग मिलती है वो सुपर गेनिंग मिलती है, बस इसका डोजेस और यूज जानना चाहिए, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, पहला वीक हम लोग लेंगे 1-1 टैबलेट, ठीक है, वर्कआउट के 1 घंटा पहले। उसके बाद सेकेंड वीक से लेंगे 2-2 टैबलेट, एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद और एक वर्कआउट के 1 घंटा पहले। थर्ड नंबर पे इसको डोज बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि 3 टैबलेट लेंगे, एक लेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लेंगे वर्कआउट के 1 घंटा पहले, उसके बाद लेंगे डिनर में, ठीक है। लेकिन 3 से इसको मैं 4 कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे देखे बहुत ही बिगनर्स इसको 4 गोली खा लेंगे। हम इसको क्यों नहीं ले रहे इसको बाद में बताऊँगा, ठीक है। इसका 3 गोली हाईएस्ट, वो भी 3 हफ्ते के बाद, ठीक है। सेकेंड में जो हम लोग यूज़ कर रहे वो यूज़ कर रहे ऑक्सीमेथलोन, इसको गेनिंग का बाप बोला जाता है भाई, और इसका हाफ लाइफ रहता है 8 से 9 घंटा। इसको आपको 2 हफ्ते तक 1-1 गोली लेना है, वो भी वर्कआउट के 2 से 3 घंटा पहले, मतलब कि लंच के बाद, ठीक है। और 2 हफ्ते के बाद इसको जो 2-2 टैबलेट करेंगे, वो करेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, एक जो टाइम में आप लिए होंगे, जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप 9 बजे लिए होंगे तो इसको 12 घंटा छोड़ के रात को 9 बजे लेना है, ठीक है। जैसे कि 24 आवर्स क्या होगा, आपके बॉडी में ये एक्टिव रहेगा, 9 से 10 घंटे के बाद ये क्या होता है, आपके बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बोला था कि डायनाबोल को 4 गोली में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बस इसी के लिए, क्योंकि ये दोनों मिला के हम ले रहे तो ये थोड़ा लीवर टॉक्सिक है, इसलिए मैं इसको 4 गोली नहीं किया, क्योंकि हम ऑक्सीमेथलोन को ले रहे हैं 2-2 गोली, ठीक है। ध्यान से,
तीन नंबर में जो आता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखो ये है साइकिल का रीढ़ का हड्डी। टेस्टोस्टेरोन अगर साइकिल पे नहीं है तो साइकिल ही हुआ ही नहीं, रद्द हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे क्या, टेस्टोस्टेरोन ऑन डेकोनाइट। ये 40 mg का आता है, इसको कैसे लेना है, इसको आप दो हफ्ते तक एक एक कैप्सूल लेंगे, आइदर मॉर्निंग नहीं तो डिनर के बाद। ठीक है, दो हफ्ते तक, दो हफ्ता ख़त्म हुआ उसके बाद आपको शुरू करना है दो दो टैबलेट, मॉर्निंग में एक और इवनिंग में, मतलब कि डिनर में एक। अगर आप दो टैबलेट लेते हैं तो आपका होता है 80 mg, तो हफ्ते में आपका कितना हुआ, 560 mg। ठीक है, ये एक सेफ डोज है, अगर इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, इसका दो गोली ही लेना है, इसका भी दो गोली ही लेना है, इसका तीन गोली लेना है हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। ये ख़त्म हुआ, उसके बाद आया प्रोविरन। प्रोविरन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो YouTube पे जाके देखिए, आपको बहुत ही वीडियो मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ मैं इसको साइकिल में क्यों ऐड किया, क्योंकि प्रोविरन क्या करता है, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट तो बढ़ाता है लेकिन ये आपका हार्मोन को बैलेंस करता है। मतलब कि आपके बॉडी में जो हार्मोन का इनबैलेंस होगा, आप स्टेरॉइड जो टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, ठीक है, आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाएगा, समझ रहे, इसको वो बैलेंस करके रखेगा, आपको साइड इफेक्ट से थोड़ा बचा के रखेगा, इसलिए हम प्रोविरन को ऐड कर रहे हैं। इसको कैसे लेना है, इसको आप स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद एक और डिनर में एक ऐड कर सकते हैं। ये आप स्टार्टिंग में दो दो गोली ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है एडोवा। ये क्या है, ये है एनास्ट्रोजोल बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन लेंगे। ये 1 mg के आता है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका एस्ट्रोजन ब्लॉकर। मतलब कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा ले रहे हो, मतलब कि एक गोली लेने से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई क्या करते हैं एडवांस लेवल में चले जाते हैं, जैसे कि तीन गोली चार गोली ऐसे कर देते हैं, तो हफ्ते में ना आपका टेस्टोस्टेरोन का डोज बढ़ जाता है, जिसके लिए क्या होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, और जब एस्ट्रोजन आपका बढ़ गया तभी क्या होगा, आपके बॉडी में या चेस्ट में गाइनो का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ये क्या करता है, आपको एस्ट्रोजन को ब्लॉक करके रखता है। कोई ये चीज़ अगर आप ले रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई, इसको लेना मत भूलो। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है और एक चीज़, बस यही है एक इंजेक्टेबल फॉर्म में, और ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये एक इंसुलिन सीरीज़ है, और इसको आपको क्या करना है, आपके पेट में लेना है भाई, कुछ दर्द वर्द नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, खुद ले सकते हो। अच्छा, ये है GHRP6, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड्स। देखिए ऐसे वाइल्स रहता है, इसको आपको क्या करना है, दिन में स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, दिन में दो डोज लेना है, मॉर्निंग में खाली पेट में लेना है। ठीक है, खाने का 2 घंटा पहले या 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, इसको लेना है, और एक शॉर्ट्स कब लेना है, शाम को लेना है। ठीक है, लेकिन ये जब लेंगे तभी आप खाने का 2 घंटे के बाद और खाने के पहले 1 घंटे के बाद लेना है। ठीक है, तो इसके बारे में एक पर्सनल वीडियो बनाना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जन को पता नहीं है इसको, मतलब इंजेक्ट करना, इसको कैसे ड्रॉ करना, वो ठीक है, स्टेराइल वाटर कैसे डालना, ये सब अलग अलग तरीका है। बस मैं आपको दिखा दिया कि हम जो गेनिंग सीरीज करें, वो गेनिंग सीरीज में ये सब चीज़ आपको चाहिए, ये अगर आप यूज करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट टेबल का मसल मास गेन होगा, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है अगर सही तरीके से आप गए। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का साइकिल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरा प्रोग्राम को फॉलो कीजिए। इसके साथ इसे ज़्यादा डोज हाई डोज में मत जाइए, क्योंकि बोला जाता है कि क्या, ज़्यादा लालच बुरी बात है, अपने ऑर्गेन्स और बॉडी को भी देखना पड़ता है।
तो पसीना भी छूट रहे थे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। Oh, 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 oh